हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। और कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 34th, 34वां स्थान इनको दिया गया है। आज का हमारा प्रश्न है, किसने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है। चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथन आनंद। तो आपको सही आंसर इसका कमेंट करके बताना है। गाइज, ये ऑफर अभी अवेलेबल है हमारा। एमपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ 359 में मिल रही है। इसके अलावा एमपीजी की टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करेंगे तो ये ईबुक जो है आपको फ्री दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, स्वर्गीय श्री अब्दुल जब्बार को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार। तो राज्य शासन के द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाना है वर्ष 2019-20 के। ये अब्दुल जब्बार जो भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन से संबंधित थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था लास्ट मंथ में। ठीक है, तो इनको समाज सेवा के क्षेत्र में यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो लोग हैं उनकी सेवा के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट कार्य मतलब कार्य जो इन्होंने किया है उसके लिए इनको ये सम्मान दिया जाएगा और मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया जाना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाती है। 10 लाख रुपए की राशि ही जो महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित है, 1995-96 में इसकी स्थापना करी गई थी, इसमें भी 10 लाख रुपए की ही राशि दी जाती है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार इसी को माना जाता है। ठीक है, और ये किसी संस्था को ही दिया जाता है। जैसे पहला जो पुरस्कार है वो कस्तूरबा ट्रस्ट को दिया गया था जो आपका इंदौर का है। देखिए, अब्दुल जब्बार की जो पत्नी है श्रीमती सायरा बानो, उनको ये पुरस्कार 17 दिसंबर यानी कि आज ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुख्य आतिथ्य, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की उपस्थिति में मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में इनको ये दिया जाना है। मतलब कौन देंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इनको देंगे। और ये जो अवार्ड है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है और प्रदेश के ही लोगों को ही दिया जाता है, जिसमें दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रित व्यक्तियों, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं, बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी व्यक्तित्व सेवा यानी व्यक्तियों की सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एवं मान्यता देने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे लोग जो असहाय हैं, दिव्यांग, वृद्ध, दुर्बल, निराश्रित, पीड़ित और शोषित महिलाएं, बच्चे, ठीक है, या सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए नशाबंदी के क्षेत्र में मतलब स्वेच्छा से वो अपने जो कार्य करते हैं ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार। तो वर्ष 2019 का ये पुरस्कार दिया गया है अब्दुल जब्बार को। गाइज, एक और चीज बता दें, एमपी के अवार्ड्स का एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। 2019 के सारे जो अवार्ड्स हैं वो उसमें होंगे और उसमें ये सारे अवार्ड्स मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा और वेट करें, वो अवार्ड वीडियो जरूर मैं आपको दूंगा, आज या कल मैं दे दूंगा। गाइज, ये 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है 99 के अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंटरनेशनल ईयरली म्यूजिकल फेस्टिवल हृदय दृश्यम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो हृदय दृश्यम जो है आपका एक म्यूजिकल फेस्टिवल है, 2020 में ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में 11 से लेके 12 जनवरी। कहाँ पर? भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ग्रेट इंटरनेशनल ईयरली म्यूजिकल फेस्टिवल हर साल ये आयोजित किया जाता है और ये इस बार 11 से लेके 12 जनवरी, पिछली बार यानी कि 2018 में ये जो आयोजित किया गया था ये करा गया था आपका भोपाल में ही आयोजित किया गया था, लेकिन दिसंबर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, कौन करवाता है? ये करवाता है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसके सहयोग से इसको कराया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है और मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। एक और चीज गाइज, आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं और बहुत कम शेयर करते हैं, प्लीज देखिए इसी चीज से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मैं अब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर दिया करें। तो आपको कमेंट भी नहीं करना है, आपको लाइक भी नहीं करना है, आपको शेयर भी नहीं करना है, तो फिर ये बंद कर दूंगा मैं। तो ये अगला प्रश्न हमारा, मांडव में मांडू उत्सव कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो मांडू जो है आपका धार में आता है, मांडवगढ़ इसको कहा जाता है, इस पे मांडू उत्सव हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है 28 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक
इसका आयोजन किया जाना है 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक। मांडू उत्सव या मांडव उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला में हनुवंतिया टापू है, वहां पर 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी यानी कि 1 महीने तक जल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे महोत्सव हैं। कल हमने नमस्ते ओरछा महोत्सव के बारे में भी आपको बताया था। बहुत सारे महोत्सव हैं, तो ये अलग अलग महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इनकी डेट्स पूछी जा सकती है, ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे वहां पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 26 से 29 दिसंबर तक कहाँ रॉयल कुजीन फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। देखिए, कुजीन मतलब कोई ना कोई खाने से संबंधित चीजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अलग अलग जो डिशेस होती हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो फूड फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया जाना है, तो ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और इसमें रॉयल कुजीन फूड फेस्टिवल है। तो ये रॉयल मतलब क्या हो गया, मध्य प्रदेश की जो रॉयल फैमिलीज हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं सिंधिया की या दिग्विजय सिंह की जो फैमिली है, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों के जो रसोइये हैं वो रॉयल फैमिली के लिए जो व्यंजन बनाते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए जो व्यंजन हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पर और उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो 26 से लेके 29 दिसंबर तक मिंटो हॉल भोपाल में इसका आयोजन किया जाना है, तो ये भी ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पर्यटन नीति 2019 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के जो उद्यमी है, इसके अलावा जो आपके दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली जो पर्यटन परियोजनाएं हैं उनके लिए 5% अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान जो पर्यटन नीति अभी हाल ही में आई है उसमें किया गया है। ठीक है, कितना, 5%। ठीक है, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को भी इसमें इंक्लूड करा गया है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए भी किया गया है। एक और चीज आपको बताते हैं, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट मेगा एवं अल्ट्रा परियोजनाओं के लिए आकर्षण अनुदान और रियायतें भी इस पर्यटन नीति में इंक्लूड करी गई हैं। मतलब हॉट एयर बैलून की जो इस तरीके की प्रतियोगिताएं प्रदर्शनी जो होती हैं या वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट जो बनाए जाते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं, उनके लिए अनुदान या रियायतें करी गई हैं। ठीक है, एक और चीज आपको बता दें, प्रदेश में 3 नए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रस्तावित करी गई है। कितने, 3, ध्यान रखें। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको ग्रामीण अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन स्थलों के समीप स्थित चयनित ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामीण पर्यटन यानी उनकी ग्रामों में रुकने की व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे रोजगार के अवसरों से प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतिष्ठित समूह के माध्यम से प्रशिक्षण कराने का भी निर्णय इसमें लिया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश सरकार के विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020 से 25 का विमोचन कौन करेंगे। तो देखिए, मिंटो हॉल में ये वही समारोह है जिसमें अब्दुल जब्बार जी जो हैं उनको अवार्ड दिया जाना है। तो इसका जो विमोचन है वो करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री भी है, और इनको 17 दिसंबर को भोपाल स्थित मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश सरकार के विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25 का विमोचन करना है। ठीक है, और ये आज भोपाल आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं एनपी प्रजापति वो भी उपस्थित रहेंगे। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग डिसलाइक करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर ये कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आपका एक डिसलाइक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ डिसलाइक के साथ साथ एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।